यहाँ कैसे सांप आया बेटी? मेरी महक के पास था, मैंने मैंने इसे बाहर फेंक दिया। वो मेरी महक को मार देना चाहते हैं, और उन्हें नहीं भेजा होगा। किसने भेजा होगा? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो ना? अकरम तो इस दुनिया में ही नहीं है। वो जिंदा है। अकरम कहाँ जिंदा है हीना? तुमने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? हाँ भाईजान, छिपकली वाले हाथ से इसके दिलो दिमाग पर डर बैठ गया है। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, हम यकीन कर रहे हैं। तुम आराम करो बेटा, तुम आराम। बेटी तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही? तुम्हें कोई नहीं छू सकता। जब तक तुम यहाँ हो और हम तुम्हारे साथ हैं, न कोई सांप न कोई अकरम तुम्हारे पास आ सकता है। बेटी तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो, यकीन करो बेटी, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये क्या कह रही हो तुम? ना ही तुमने मुझे बताया और ना ही मुझे पता लगने दिया, और ये ऑफिस में भेज दिया तुमने। रूबी की हर याद को मैं अपनी जिंदगी से निकालना चाहती हूँ। मैंने एक कंपनी बंद कर दी है, अब एक नया ऑफिस होगा, नया बिजनेस होगा, सब कुछ नए नाम से शुरू होगा। मुझसे पूछा भी नहीं और इतना बड़ा फैसला ले लिया। तुमसे पूछती तो तुम इनकार कर देती, और तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे इनकार पसंद नहीं। मेरी मर्जी के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। इस कंपनी में मैं भी हिस्सेदार हूं। तुम सिर्फ नाम की हिस्सेदार थी, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम पर हैं। तुम कुछ नहीं कर सकती। और हाँ, मेरे नए ऑफिस और मेरे नए घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी बहन हूँ। बहन? रूबी के नाम की हर चीज को मैं अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करना चाहती हूँ। जब तुम्हारे दिल में रूबी के लिए जगह है, तो तुम मेरी जिंदगी में कैसे रह सकती हो? और मैं ये नहीं चाहती कि लोगों को मेरे और रूबी के रिश्ते के बारे में कुछ पता चले। मुझसे किया हुआ ये धोखा तुम्हें रास नहीं आएगा। बहुत पछताओगी तुम, बहुत खुदगर्ज हो गई हो तुम, और ये खुदगर्जी तुम्हें अकेला कर देगी। अकेला कर देगी ना? बिल्कुल नहीं। ना मुझे तुम्हारी जरूरत है, ना रूबी की। अब मेरा साथ देने के लिए नवाब मिर्जा की बेटी हिना रही है। Congratulations, सर। बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात के लिए? आपने जो थीसिस लिखी थी वो अप्रूव हो गई है सर, और अब आप PhD हो गए हैं। इसके अलावा भी एक और खुशखबरी है सर, आपने हॉस्पिटल में चिल्ड्रंस वार्ड के लिए जो ग्रांट मांगी थी वो भी अप्रूव हो गई है सर। Isn't it a great day? Yes. खुशखबरी जरा डॉक्टर प्रधान के साथ शेयर करिए। एक्सक्यूज मी। हेलो, डॉक्टर आमिर से बात करवाइए। मैम वो तो डॉक्टर प्रधान के पास गए। मे आई नो हू इज कॉलिंग? मैं हीना मिर्जा बोल रही हूँ। ओके, पहचान लिया। यू नो देयर इज अ ग्रेट न्यूज, डॉक्टर आमिर की थीसिस अप्रूव हो गई है, एंड प्लस उन्होंने चिल्ड्रंस वार्ड के लिए जो ग्रांट मांगा था वो भी अप्रूव हो गया है। Isn't it great? ये तो बहुत अच्छी खबर है। डॉक्टर आमिर से कहिएगा मेरा फोन आया था, मैं दोबारा फोन करूंगी।
जरूर जरूर कह दूंगी। अच्छा मम्मी के पास बुआ, जानती हैं आज डॉक्टर आमिर के लिए बड़ा ही मुबारक दिन है। माशाल्लाह, आज उनके चिल्ड्रंस वार्ड के लिए ग्रांट सैंक्शन हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, क्या बात है, वाह। और ये ही नहीं, दूसरी अच्छी खबर ये है कि उनकी पीएचडी के लिए थीसिस अप्रूव हो गई। माशाल्लाह बेटी, खुदा नेक आदमी को हमेशा कामयाबी देता है। अम्मी, मैं सोच रही थी उनकी खुशी में शामिल होने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या करें। इससे पहले कि आमिर हीना के और भी करीब हो जाए, मुझे हीना से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। लेकिन लेकिन मैं कैसे कहूं, कैसे कहूं उससे कि मैं उसे चाहता हूं और उसे निकाह करना चाहता हूं। मैं जबान से तो नहीं कह सकता, लेकिन लिखकर तो इजहार कर सकता हूं। तुमने तो सिर्फ सुना, लेकिन मैंने तो उसे अपनी आंखों से देखा, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। मगर सच तो यही है कि नगमा और सुल्ताना के बीच इतनी जोर से झगड़ा हुआ कि एक पल के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि नगमा उसे अपनी बहन समझती है। मैं तो सिर्फ इतना जान गई हूँ कि नगमा की रिश्तेदारी सिर्फ पैसे से है, और ये भी जान गई हूँ आज वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है। लोग कुल्हाड़ी अपने पैर पे मारते हैं, उसने अपना पैर ही कुल्हाड़ी पे दे मारा है। अब देखना नगमा की बहन कैसे अपनी नाक रगड़ रगड़ के मेरे पास आएगी। जिसे तुम नगमा की बहन कह रही हो वो तुम्हारी माँ है, क्या अब भी तुम उसे माँ कहने के बजाय नगमा की बहन ही कहोगी? मौका पड़ने पर उसने मुझे ठुकराया था, वक्त पड़ने पर मैं उसे माँ भी कह दूंगी। मेरा मकसद रिश्तेदारी दबाना नहीं, मेरा मकसद तो नगमा से बदला लेना है, और अब ये आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम नगमा का नमक खाते हो और वफादारी मुझसे निभाते हो, तो ऐसा क्यों नहीं होगा? इसलिए कि अपनी मदद के लिए उसने हीना को अपने साथ ले लिया। क्या? हीना को? हाँ। तो राजी भी हो गई? कमाल है। हीना और नगमा का क्या रिश्ता हो सकता है? असल मैं तुम्हें आज शाम डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। मैं भी सोच रही थी कि डिनर का प्रोग्राम बनाना चाहिए। वंडरफुल, तो बोलो किस रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट में नहीं, मेरे घर पर। आप आइए, मैं आपका इंतजार करती हूँ, और बाकी बातें उस वक्त। इस वक्त मुझे कुछ तैयारियां करनी है। खुदा हाफिज। फिर भी
आखिरी में मौका देखकर आज उसे ये लेटर दे दूंगा। हेलो हेलो डॉक्टर आमिर, मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ, हीना की मम्मी। कहिए शगुफ्ता जी। क्या बताएं डॉक्टर साहब, गजब हो गया। क्या हो गया? बस आप फौरन यहाँ आ जाइए। अरे शगुफ्ता जी, ये तो बताइए कि हुआ क्या है। हीना की महक की तबीयत खराब हो गई है, अचानक खराब हो गई है। महक हीना की तबीयत खराब हो गई है? नहीं, एक मिनट, महक की तबीयत खराब हो गई है या हीना की तबीयत खराब हो गई? महक की तबीयत। ठीक है, तो महक को हुआ क्या है? वो उसको हिचकियां भी आ रही हैं और बहुत तेज बुखार है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ठीक है, ये बताइए कि घर में कौन कौन सी दवाइयां हैं। पता नहीं कौन सी दवाइयां हैं और न जाने हीना उन्हें कहां रखती है। ठीक है, फिर हीना को फोन दीजिए, मैं हीना को समझा देता हूँ कि महक को कौन सी दवाई दे ताकि जब तक मैं वहाँ पहुँचूँ महक की तबीयत बेहतर हो। अरे डॉक्टर साहब, वो तो घर पे ही नहीं है, बाहर गई है, घर के सभी लोग बाहर चले गए। ओके ओके, अभी निकल रहा हूँ, बाय। कहाँ कहाँ फंसा दी मुझे। हीना ने डिनर पे बुलाया है। हीना ने? हाँ। हीना तो घर पर ही नहीं। तुम्हें कैसे पता? शगुफ्ता जी ने बताया, उन्होंने मुझे फोन किया। दरअसल महक की तबीयत बहुत खराब है। महक की तबीयत खराब है? डॉक्टर, ये बहाने बनाकर रिश्ते जोड़ने का चक्कर जो है ना, छोड़ दो। समीर साहब, मैं रिश्तों की अहमियत करता हूं। आगे आपको जो समझना है आप समझ लीजिए। मुझे इस वक्त सिर्फ यह समझ नहीं आ रहा कि दरवाजा कोई खोल क्यों नहीं रहा। लो, खुल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब महक की हालत अब कैसी है? महक तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन शगुफ्ता जी ने खुद मुझसे कहा कि उसकी तबीयत बहुत खराब। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर मुझसे शगुफ्ता जी ने झूठ क्यों कहा? हीना कहाँ है? क्या उसने भी मुझसे झूठ बोला, मुझे यहाँ बुलाया और खुद घर में नहीं? नहीं, हीना आपा तो घर पे। बहुत बहुत मुबारक हो आमिर मियां। मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब, अल्लाह करे इस इब्तिदा की कोई इंतहा ना हो। आपसे झूठ बोला इसकी माफी चाहती हूँ, लेकिन अगर सच बोलती तो आपको सरप्राइज कैसे देती? पीएचडी की डिग्री मिलने पर फिर से मुबारक हो। लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? हम अपने दोस्तों की हर खबर रखते हैं, आप आइए तो। समीर, आप भी आइए ना।
अच्छा अब ये मुबारक का सिलसिला खत्म कीजिए, केक हाजिर है, इस पर भी मेहरबानी कीजिए। आइए डॉक्टर आमिर, बिस्मिल्लाह कीजिए। ये सब करने की क्या जरूरत है? आपकी खुशी को अपना समझने का कोई मौका गवाना नहीं चाहते हम। अपना मानने के लिए शुक्रिया। कौन था फोन पर? इनापा, इनापा, इनापा,